ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। मामला है सरकार का है, क्योंकि जो आपको MBC जो दिया गया है वो राज्य सरकार द्वारा इस चीज़ की घोषणा की गई है, और EWS जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, तो केंद्र का ये फर्ज है। और हमारे जो CM हैं अभी के गहलोत जी, उन्होंने ये कहा था कि हम इसके बारे में हमारे राजस्थान में भी इसको लागू किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि लागू कर दिया गया, तो किया गया था। तो MBC को अगर उसके बाद में लागू कर दिया गया तो EWS को क्यों लागू नहीं कर दिया गया, लड़ाई इस बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूं सर, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो सबसे बड़ा पॉइंट अपना चलेगा वो चलने वाला है LD से RSSB को लेकर के, जो कि आपसे काफ़ी दिनों से एक असमंजस बना हुआ है कि सर क्या इसकी रोक हटाई जाएगी, इसकी पुनः प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो जैसे मैंने थंबनेल में पहले ही आपको बताया है कि क्या इसकी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो पाएगी, होगी तो कब से होगी, तो मैं आपको बता दूँ। अगर आप वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हर अपडेट मैं आपको और हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएगा। दोस्तों जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं जो रिजर्वेशन को लेकर के और एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इसके बारे में फुली आपसे जो भी मेरे पास जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी जातिवाद या किसी प्रथा या किसी भी धर्म से ये कोई नहीं है कि मैं किसी के बारे में बोलूंगा, लेकिन मेरा काम है, आप चाहे जनरल हैं, आप चाहे ST SC हैं, चाहे आप OBC हैं, मैं सबके हित की बात करूंगा। जो एक सोसाइटी में जो सोच है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि इस वैकेंसी को लेकर के जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेकर के क्या राय है। तो आप इसको अदरवाइज ना लें, कोई भी दिल पर ना लें, आप अब तक मुझे जानते हो कि मैंने फैक्ट्स बातें कही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बात चल रही है LDC को लेकर के, कि पहला पॉइंट आपका बनता है कि सर ये रोक हट पाएगी, ये जो प्रक्रिया है ये पुनः कब से स्टार्ट हो पाएगी, मतलब EWS क्या इनको मिलेगा। तो इसके बारे में पहले मैं क्लियरली आपको बता दूं कि EWS को लेकर के जो आपने कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो क्या है, जो चेतन शर्मा जी उनके द्वारा ये रोक लगाई गई है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने, बाकी और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इसके लिए रोक के लिए अप्लाई किया था और उनके भी इस चीज़ में जो है वो शामिल हैं, उनके जो मंतव्य हैं, जो उनकी जो भावनाएँ हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि सर क्या EWS लोगों को, सारी बातें वो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरी डिटेल बात की गई है, आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो अभी आप लीव कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी बात को सुनिएगा उसके बाद ही निष्कर्ष निकालिएगा। दोस्तों EWS को लेकर के जो बात हुई है आपकी, EWS में लेकर के ये सबसे बड़ा पॉइंट बना हुआ है कि सर EWS का जो पॉइंट था, EWS का पॉइंट था वो वैकेंसी के बाद आया। तो दोस्तों इसका मैं जवाब दे दूं कि काफ़ी लोगों से ये था कि जो लोगों ने रिट लगाई है, जो लोगों ने स्टे लगवाया है, वो रीज़न क्या था कि सर MBC भी तो इस वैकेंसी के बाद आया था तो उनको क्यों मिला, पॉइंट ये बनता है। ठीक है, ये मैं गुजर भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ये आपके लिए नहीं है कि आप इस चीज़ को अदरवाइज ना लें, आपको आपका हक है, क्योंकि बाकी अगर कैटेगरी इस चीज़ का फायदा उठा रहे तो आपका भी हक है। जिस तरीके से आप सभी का हक है उसी तरीके से जनरल वालों का भी हक है। तो दोस्तों आप इस चीज़ में खिलाफ मत आइए, आप एक स्टूडेंट अगर स्टूडेंट के खिलाफ हो गया तो वो एक लड़ाई का रूप ले लेती है। अपन को लड़ाई एक स्टूडेंट को स्टूडेंट से नहीं लड़नी, आपको एक लड़ाई लड़नी है बेरोजगारी के खिलाफ, जो कि आपको रोजगार चाहिए। आप जिस तरीके से आपका घर परिवार, आपकी माँ बाप, आपके भाई बहन एक वेट करते हैं कि हमारे घर का चिराग है वो कुछ ऐसा, उसमें ऐसे दीपक में वो तेल, वो जो है घी है वो आए जिससे उजाला हो, तो उसी तरीके से वो भी अगर किसी EWS का कोई जनरल का कैंडिडेट है, वो भी किसी घर का चिराग है, उसके बारे में भी सोचिए। वो आपके हक छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है कोई भी कैंडिडेट, वो सिर्फ अपना हक लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ मत जाइए। अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो क्रॉस पिटीशन दायर करेंगे आप, जिससे जाकर के कोर्ट फिर से ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा समय लेगा। पहले उनकी जो है याचिका उस पर सुनवाई करेगा, फिर आपने जो याचिका लगाई है उस पर वो सुनवाई करेगा, ऐसा करके कि दो पॉइंट बन जाते हैं, उन दोनों पॉइंटों को लेकर के इश्यू बन जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया और भी ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी, जिससे आप ये सोचते जा रहे कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द क्लियर करवा दिया जाए। उन्होंने अपनी राय रखी, उनकी राय का कोर्ट को आप टाइम दीजिए, कोर्ट इस चीज़ का निर्णय करेगा, आप लोग कोई भी हंगामा करके इस चीज़ का कोई निर्णय नहीं निकाल पाएंगे। मैं जो बोलता हूँ वो क्लियर बोलता हूँ, शायद अभी कुछ अपवादों को बुरा लग सकता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मेरे और भी भाइयों से निवेदन करूँगा, इस बात को पहले गौर से सुनिएगा।
कोर्ट इस चीज़ का डिसीजन लेगा। कोर्ट आपके आंदोलन करने से, आपके जो बोर्ड पे दबाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड ने थोड़ी ये सब कुछ किया है। अगर ऐसा कुछ है, ये मामला है सरकार का है, क्योंकि जो आपको MBC जो दिया गया है वो राज्य सरकार द्वारा इस चीज़ की घोषणा की गई है, और EWS जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, तो केंद्र का ये फर्ज है। और हमारे जो CM है अभी के गहलोत जी, उन्होंने ये कहा था कि हम इसके बारे में हमारे राजस्थान में भी इसको लागू किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि लागू कर दिया गया, तो किया गया था। तो MBC को अगर उसके बाद में लागू कर दिया गया, तो EWS को क्यों लागू नहीं कर दिया गया? लड़ाई इस बात की नहीं कि आप लोग पास हो गए और हम फेल हो गए, ऐसा कोई जनरल कैंडिडेट नहीं सोचता। कोई ये सोचेगा सर आप भी उमेश शर्मा इसलिए बात करो, तो दोस्तों मेरा इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसका कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स आपस में अगर लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर करेंगे, तो मामला काफ़ी बढ़ जाएगा। कहीं ये ना हो कि 2013 के RPSC की वैकेंसी की तरह ही ये वापस अटक करके आपके साथ सामने आए। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग अगर अपना हक लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने हक के साथ लड़ने दीजिए। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोर्ट ने जो याचिका उन पर जो सुनवाई होगी उसको देखिए, क्योंकि कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो निर्णय देगा उस टाइम पे जो वैकेंसी की जो कंडीशन थी नोटिफिकेशन की, उन कंडीशंस को ध्यान रखकर, EWS की जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस को उनसे कंपेयर करके, और राज्य सरकार द्वारा उस टाइम पे क्या डिसीजन लिया गया था और राज्य सरकार इसके बारे में क्या सोचते, उनके जो वक्तव्य हैं, जो मंतव्य हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर कि कोर्ट उनसे भी राय मांगेगा। कोर्ट सरकार से भी मांग सकता है, एक जो है नोटिस जारी कर सकता है कि सरकार जवाब दे कि क्या EWS को लागू क्यों ना किया जाए। अगर EWS को लागू ना किया जाए तो MBC को लागू क्यों किया गया? इस तरीके से बात बहुत आगे तक जा सकती है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि, जैसे काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, मेरे पास फ़ोन भी आए थे कि सर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हमारा सपोर्ट करो ये चीज़ों, कि आपका पर्सनल मैटर में किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन आप फालतू इन चीज़ों की टेंशन को छोड़ कर कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आप कहीं इस झमेले में आकर के आप टाइपिंग करना भी छोड़ दें और कहीं आपकी टाइपिंग की डेट आ जाए तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो, सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ की टेंशन छोड़िए। अगर आप साथ देंगे, आप सरकार का, आप बोर्ड का साथ देंगे, तो ये जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया है जल्दी ही खत्म हो जाएगी, मतलब जल्दी ही पुनः प्रारंभ होकर के खत्म हो जाएगी, और आपका जो सपना है, वो ड्रीम जॉब है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ का आंदोलन करेंगे और गलत तरीके से इस चीज़ के साथ पेश आएंगे, तो हो सकता है कि वो जो चीज़ आपको मिलने वाली वो आपके भी हाथ से निकल जाए और उनके हाथ से भी निकल जाए। इसी चीज़ को लेकर के दोस्तों एक बात चल रही कि सर इसी के साथ नॉर्मलाइजेशन और है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी एक पिटीशन दायर की गई है, याचिका दायर की गई है, तो उसके बारे में क्या है? दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर वीडियो काफ़ी लंबा, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसके कुछ देर बाद ही, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।